अस्सलाम वालेकुम। सवाज बेस्ट क्लासेस के सालन सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह गोश्त का एक बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाना बताएंगे। ये सालन बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। आप इसे अपने डेली मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और ये घर में मौजूद चीज़ों से ही बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हम एक टीस्पून साबित काली मिर्च लेंगे, 3 इंच की दालचीनी हम लेंगे और 2 तेज़पत्ते लेंगे, इसे मैंने तोड़ कर रखा है, और 6 से 7 लौंग लेंगे, 1 स्टार एनीस मीन्स करण फूल लेंगे और 6 से 7 नाकेसर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कटी हुई प्याज है, और अब हमने देखिए यहाँ पर 250 ग्राम गोश्त लिया है। इस गोश्त में हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे आप कुछ देर रखिए ताकि गोश्त के पीसेस मज़ेदार बने। अब एक प्रेशर कुकर में आपने 1/2 कप तेल गर्म करना है, उसके बाद आपने सूखे मसाले डाल देने हैं और साथ ही हम प्याज भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सूखे मसाले जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वही मसाले हमने इसमें डाल दिए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना कीजिए और फिर आप इसमें ऐड कीजिए गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अब आप हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे भून लें। देखिए अच्छी तरह से इसे भूनते जाइए। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तब आप इसमें 2 टमाटर कट करके डाल दीजिए और इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें डाल दीजिए आप 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी डालकर प्रेशर कुकर लगा दीजिए, और प्रेशर कुकर लगाकर 4 से 5 सीटी होने तक इसे आप गला लीजिए। जब ये डिपेंड करता है गोश्त पर, अगर गोश्त सख्त है तो ज़्यादा सीटी लगेंगे, अगर कम नरम है तो कम सीटी लगेंगे। देखिए हमने प्रेशर कुकर को खोला, ठंडा होने के बाद गोश्त अच्छी तरह से गल गया है और साथ ही प्याज और टमाटर भी गल गए हैं। अब आप लकड़ी की चम्मच से इसे हिलाइए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर 1-2 टेबल स्पून बादाम है, इसे पीस कर हमने इसमें डाल दिया है। बादाम का पेस्ट इस ग्रेवी में डालिए और इसे आप हाई फ्लेम पर पहले पकने दीजिए। अच्छी तरह से मसालों के साथ इसे पकने दीजिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर आपको जितनी पतली ग्रेवी करनी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिए। इसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स करके पकने दीजिए। अब आप आँच को धीमा कीजिए और धीमी आँच पर इस सालन को पकने दीजिए, और साथ ही इसमें ऐड कीजिए 3 टेबल स्पून हरा धनिया। इसे मिक्स कीजिए और बिल्कुल धीमी आँच पर ढाँक कर इसे छोड़ दीजिए ताकि ऊपर तरी आ जाए। सारे मसाले पक चुके हैं, बस हमने ढाँक कर कुछ देर ही इसे पकाना है लो फ्लेम पर, तो ऊपर तरी आ जाएगी और ये हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सालन को निकालिए और आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा सालन हमने बताया है, आप इसे घर पर बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।